1 minute sir. It's so good to see you here at IFFI. What have you say? What's your experience of IFFI? Like, you know, this is the first time you've been. It's a beautiful experience. बहुत सारे youngsters और नए filmmakers को एक पाठशाला जैसा है. तो हम लोग पहले हम भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जैसा टीम में वॉलंटियर्स हो गए काम कर रहे थे बैंगलोर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में. बहुत सारे फिल्म्स देखने के लिए हमको मिलता है और इट इज़ लाइक अ स्कूल सो फॉर द न्यू कमर्स और फिल्म मेकर्स. सो आई एम हैप्पी. चार बार वो आया हूँ, उसमें दो बार फेस्टिवल के लिए आया हूँ, दो बार शूटिंग के लिए आया था. और कंतारा की कंतारा लास्ट ईयर हम लोग प्रमोशन के लिए आए थे, फिल्म रिलीज हुआ था. सो इट वाज लाइक जस्ट अ गेस्ट ऑफ गेस्ट जैसा आया था मैं. इस बार कंपटीशन सेक्शन में है तो फील्स गुड. ओह एंड व्हाट हैव यू टू से अबाउट लाइक यू नो गोवा, कभी गोवा का क्या माहौल कैसा है, कभी गोवा घूमने भी है क्या प्लानिंग है? नहीं वैसा कुछ नहीं है तो होता है. और कंतारा 2 के लिए भी पीपल एक्साइटेड, व्हाट इज द स्टेटस, लाइक क्या हो रहा है? नो कल हम लोग पूजा किए और पोस्टर रिलीज किए, एक ग्लिम्स भी रिलीज किए. That's it. और कौन है कुछ स्टार कास्ट में कुछ है? कुछ नहीं, वो हम लोग ऑफिशियली अनाउंस कर देते. थैंक यू. Good you are Rishabh. I also want to congratulate you क्योंकि अभी कल ही ये हुआ है कि आपने सेकेंड पार्ट जो कि बेसिकली प्रीक्वल है कांतारा लास्ट ईयर जो रिलीज हुई थी फिल्म का, उसे अनाउंस किया है. हमने पोस्टर देखा, पोस्टर देख के ऑलरेडी चिल्स आ रहे हैं, गूज़बम्स आ रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है. उसके बारे में कुछ बताइए. एक्चुअली आपने कांतारा 1 चैप्टर 1 का देखा है आप, सो 2 तो अभी फेस्टिवल में गए. इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि बात कम होना चाहिए तो काम ज़्यादा बात करना चाहिए. तो पोस्टर में क्या दिखा रहे हैं हम लोग और ग्लिम्स में क्या है, दैट्स इट. लोगों को छोड़ना चाहता हूँ सब. आप क्या इंटरनेशनल सिनेमा से इंस्पायर्ड है? क्योंकि मोस्टली हमने इंटरनेशनल फिल्म्स में सीरीज में देखा है कि पहले पार्ट 1 आता है, उसके बाद प्रीक्वल निकाला जाता है जब वो हिट हो जाता है. तो आर यू आल्सो रनिंग ऑन द सेम लाइंस? नो ऐसा नहीं है, पहले से ही ये कहानी था. तो लेकिन करते या नहीं करते वो हमारा ये नहीं था, डिसीजन नहीं था. लेकिन सिनेमा रिलीज होने के बाद वी हैव टेकन डिसीजन दैट ओके हम ये एक्सप्लोर कर सकते हैं. लोगों ने इतना प्यार दिया कि आप इंस्पायर हो गए इसका एक और प्रीक्वल बनाने के? नो ऐसा नहीं है, सो दैट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ऐसा मैं मानता हूँ. सो अभी ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा मतलब और बहुत अच्छे से फिल्म लेके आना चाहिए. ऋषभ, हमने बहुत सारी बातें पढ़ी हैं, सुनी हैं, जब आप शूट कर रहे थे कांतारा पार्ट 1 जो 2022 में रिलीज हुआ, तब आपने बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी अपनी पर्सनल लाइफ में भी. लाइक यू गेव अप ईटिंग मीट, आपने कुछ गॉड्स को प्रे किया. तो आप जब सेकेंड पार्ट का शूट करेंगे तब भी ऐसा ही कुछ करेंगे? फिल्म खत्म होने के बाद बात करता हूँ सर. ऑलराइट, थैंक यू सो मच.